ये देखिए, ये एसेंट मॉडल की जो है, ये गाड़ी का जो है ये सब मिरर है। अगर आपको कभी भी गाड़ी में अगर जैसे साइड मिरर का अगर ये कभी भी ये स्क्रैच हो जाता है या दिखने में अच्छा नहीं लगता है या कोई भी जो हमको इसमें फिगर आता है जो मिरर का वो अगर क्लियर नहीं होता, उस केस में जो है आप इसको बदल सकते हैं। और इसको बदलने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जो हमारा साइड मिरर का हाउसिंग होता है उसमें इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद जो है इसको आराम से फिर। और इसके डिज़ाइन भी देखिए, ये इसी तरह से जो है हमारा जो साइड मिरर का हाउसिंग होता है उसमें इसी टाइप का होता है और उसमें इसको लगाने के में कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए, ये बैक साइड है, ये इसमें देखिए ये सभी चीज़ें इसमें ये बने हुई हैं। इसको निकालने के बाद इसको लगा कर हल्का सा केवल हम हाथ से पुश कर देते हैं तो ये जो है ये पोजीशन जो है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और जब बैठ जाएगा तो आराम से जो हमारा साइड मिरर जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कभी भी इसकी जरूरत हो, इसमें अगर आपको ज़रूरत हो, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों मेंशन होते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में भी कभी गड़बड़ी आती है कभी राइट साइड में, तो आप कोई भी जो इसको बदल सकता है। तो अगर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसको जो है हम लोग होल सेल रेट में जो है कस्टमर को डायरेक्ट कुरियर के थ्रू जो है पेड बेसिस पे हम लोग अधिकतर भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को सस्ते में मिल जाता है और इसमें जो है बीच में जैसे कोई भी मीडिएटर नहीं होता कि जिसकी वजह से वो अपना भी प्रॉफिट रखने के बाद जो इसका रेट बढ़ा दे, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट जो है कस्टमर को इसको सप्लाई करते हैं। तो कुरियर के थ्रू जाने में आसानी ये रहता है कि कस्टमर को जो आराम से मिल जाता है और उसको जो है सस्ते में उसका काम हो जाता है। अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब और हो सके तो अपने दोस्तों को भी इसको जो है शेयर करें ताकि अगर उनको भी इसकी ज़रूरत हो तो वो भी इसको ले सकें। धन्यवाद।